So what's up guys, किसी आप लोग आई होप सब अच्छे होंगे। तो finally Free Fire का अपडेट आ चुका है। बट बस Free Fire का अपडेट है, Free Fire तो अभी भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो गाइस फ्री फायर आए ना, अपडेट आने के बाद आप लोगों का कमेंट आना स्टार्ट हो जाता है कि भाई आफ्टर अपडेट सेंसिटिविटी सेटिंग फॉर व्हाट अप। यस, तो गाइस इतने ज्यादा कमेंट के बाद तो गाइस फाइनली वीडियो आ चुकी है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग यही जानने वाले कि आपको अपडेट के बाद क्या सेंसिटिविटी सेटिंग रखना चाहिए, जिससे आप एकदम इजीली वर्सर मार सको, फास्ट मूवमेंट कर पाओ, फास्ट एटम और फास्ट ग्लू लगा पाओ। तो वीडियो को पूरा देखना अगर आपको जानना है कि मैं आज के वीडियो में कौन सा सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाला हूं। भाई अपडेट के बाद सेंसिटिविटी सेटिंग में चेंजेस करने की क्या जरूरत है? तो गाइस मुझे पता है आप लोग ये जरूर सोचोगे, तो मैं बता दूं, अपडेट आने के बाद अगर आप पुराने वाले सेंसिटिविटी सेटिंग में खेलते हो तो आपके वन शॉट कभी भी नहीं लगेंगे। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्री फायर वालों की आदत है कि हर एक अपडेट के बाद सेंसिटिविटी सेटिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस करो। और मुझसे मत पूछना ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, दिस इज बिजनेस। तो चलो गाइस बिना कोई डाउट के न्यू सेंसिटिविटी सेटिंग जान लेते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि मैं सेंसिटिविटी सेटिंग में आ चुका हूं। तो ये सेंसिटिविटी सेटिंग आपको नहीं रखनी, मैं बताता हूँ आपको क्या रखना है। तो जैसे कि गाइस आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि मैं अपने सेंसिटिविटी सेटिंग में आ चुका हूँ। तो सबसे पहले जनरल सेंसिटिविटी की बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फास्ट मूवमेंट करना है, वन शॉट देना है या कुछ भी करना है, आपको फास्ट ग्लोर भी लगाना है, तो वो सब में काम आता है जनरल सेंसिटिविटी। अगर आपका जनरल सेंसिटिविटी सही नहीं रहेगा तो आप किसी भी बंदे को वन शॉट नहीं मार पाओगे, कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो गाइस बिना कोई डाउट के हम लोग जान लेते हैं कि आपको जनरल सेंसिटिविटी को कितना रखना चाहिए। उससे पहले ये जान लो कि इस अपडेट के बाद आपका जो गेम का सेंसिटिविटी है वो थोड़ा सा कम हुआ है। मीन्स आप कुछ भी चीज करोगे उसमें आपको थोड़ा सा सेंसिटिविटी कम लगेगा, बट गेम बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुका है इस अपडेट के बाद। तो हम लोग जान लेते हैं कि आपको जनरल सेंसिटिविटी को क्या रखना चाहिए। तो गाइस आपको जनरल सेंसिटिविटी को रखना 100, क्योंकि मैंने अभी बोला कि गेम के अंदर सेंसिटिविटी कम हुआ है। गेम स्मूथ तो हुआ है बट सेंसिटिविटी कम हुआ है, इसीलिए आपको जनरल सेंसिटिविटी को हाई करके रखना है, जिससे आपको पहले जैसा गेम प्ले देखने को मिलेगा, आप फास्ट मूवमेंट वन शॉट एकदम इजीली मार पाओगे। अगर आप जनरल सेंसिटिविटी को कम रखते हो, पूरा दम लगा के भी ड्रा करोगे तो आपका एम इधर तक ही पूछेगा, इसलिए जनरल सेंसिटिविटी को 100 करके रख लेना है। और गाइस जो हाई रेंज में खेलते होंगे वो सोच रहे होंगे कि हमको सेंसिटिविटी सेटिंग कितना रखना चाहिए, तो उनको भी हाई करके रखना। अगर वो कम रखना चाहते हैं तो 95 कर सकते हैं, अगर उससे भी कम करना चाहते हैं तो 90-93 कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगा 100 करके रखो, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अभी बढ़ते गाइस रेड डॉट की तरफ, जिससे आपका हर एक गोले हेडशॉट कनेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं, इसके अंदर क्योंकि ये जो स्कोप है इसी को रेड डॉट बोलते हैं। मुझे पता है ये थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि रेड डॉट का मतलब होता है रेड और डॉट, शायद इसको बोलते होंगे। तो गाइस बिना कोई डाउट के हम लोग जान लेते हैं कि रेड डॉट को आपको क्या रखना चाहिए, जिससे आप इस स्कोप के अंदर भी हेडशॉट मार सको। तो गाइस आपको रेड डॉट को भी रखना है, क्योंकि हम लोग ने जनरल सेंसिटिविटी को रखा था हाई, तो आप रेड डॉट को रख सकते हो 80-90 अगर आप हाई डिवाइस में खेलते हो। अगर लो डिवाइस में खेलते हो तो 100 करके ही रखना है। अभी बढ़ते गाइस टू स्कोप और फोर स्कोप के तब, कि इसको आपको कितना रखना चाहिए, जिससे आप एकदम इजिली ये दोनों स्कोप के अंदर हेडशॉट और वन शॉट कुछ भी। तो गाइस आपको टू स्कोप और फोर स्कोप को रखना है 100, हाँ 100 ही रखना है, और हाई डिवाइस में भी। तो गाइस आपको टू स्कोप और फोर स्कोप को इतना हाई क्यों रखना है, हाई डिवाइस और लो डिवाइस दोनों में? तो गाइस इसलिए रखना है क्योंकि स्कोप के अंदर एक्यूरेसी पहले से ही हाई होता है। अगर आप उसको कम करके रखोगे तो कभी भी हेडशॉट नहीं मार पाओगे, कितना भी ड्रा करोगे तो आपका एम एनिमीज के हेड तक पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए आपको ये दोनों का सेंसिटिविटी हाई करके रखना, मींस 100 करके रखना, अगर कम करना चाहते हो तो 90 करके रखना है। अभी बढ़ते गाइस एडब्ल्यू स्कोप की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप उसको बढ़ा लेते हो तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आपको, इसको 100 नहीं करना है, इसको आपको करना है 30 कब करना है, जब अगर आप हाई डिवाइस में खेलते हो। अगर लो डिवाइस में खेलते हो तो 40 कर सकते हो, 45 कर सकते हो, या 50 तक कर सकते हो, 55 भी कर सकते हो, बट अगर आप हाई डिवाइस में खेलते हो तो थोड़ा सा कम ही करके रखना, नहीं तो आपके कंट्रोल में ही नहीं रहेगा। अभी बात करते गाइस फ्री लुक के बारे में। मुझे नहीं पता कोई यूज करता है कि नहीं करता, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर आप हाई डिवाइस में खेलते हो तो 50 रखो, अगर आप लो डिवाइस पे खेलते हो तो 75-80 रखो। तो दैट्स इट गाइस, सेंसिटिविटी सेटिंग में बस आपको इतना ही चेंजेस करना था। ये है आपका फाइनल सेंसिटिविटी सेटिंग, इससे आप एकदम इजीली हेडशॉट मार पाओगे, वन शॉट मार पाओगे, फास्ट मूवमेंट कर पाओगे।
बट ये सब ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ये सब आपको करना पड़ेगा। बट आपको ये सब करने टाइम पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा ये सेंसिटिविटी सेटिंग अगर आप यूज करते हो। तो चलो गाइस आज की वीडियो इतना, होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे बेल आइकन जैसे सब्सक्राइब कर देना, एंड यस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब याद से कर देना क्योंकि हम लोग 1 मिलियन के बहुत ज्यादा पास है। तो चलो गाइस आज की वीडियो इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।